कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय असलान बिरयानी। आइए नाजरीन सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। जब गुजरात जल रहा था तो यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ये बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 10 सालों में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया, ये बातें एआईएमआईएम के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने रेल पार रिलायंस मॉल के करीब दानिश अजीज की हिमायत में मुनक्किद एक जलसे से खिताब करते हुए कहा। अवैसी ने रियासती और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, काफी तादाद में लोग मौजूद थे। ममता बनर्जी ने खुद 30 अप्रैल 2003 को नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत का साथ किया था। जब गुजरात जल रहा था तो यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। मैं आसनसोल को अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ, मैं आसनसोल को इसलिए आया हूँ ताकि आपके सफों से, आपके दरमियान में से आपकी लीडरशिप को बनाओ। आप लीडर बनिए, आप क़यादत करिए, आप मुस्तकबिल के फैसले नौजवानों को करना है। क्या टीएमसी जो अपने आप को हिंदू ब्राह्मण पार्टी कहती है वो कब तक हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेंगे? आज जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर है, क्या वो टीएमसी के कैंडिडेट का चेला नहीं था? और यही लोग आज, कल तक टीएमसी में थे, बीजेपी में चले जाते हैं। 2 साल पहले रामनवमी के नाम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था। मैं यहाँ पर अपनी जानिब से मौलाना इमदादुर रशीदी साहब जो नूरानी मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। मैं सलाम करता हूँ उनको कि उन्होंने सबर का एक मजारा किया और लोगों से अमन की अपील की। मेरे दोस्तों, अजीज और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए कि हम हमेशा सवर का दामन थामते हैं मगर हमसे इंसाफ नहीं होता। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आप मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। एक नौजवान को हमने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मेरी आपसे अपील है, हमारी माँ और बहनों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है कि आप याद रखिए मेरी इस बात को, ममता बनर्जी में, नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं बंगाल की जनता को और अपने बयानात से, अपनी बातों से। 10 साल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ टीएमसी, तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर ओढ़नी पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है, मोहम्मद रसूल अल्लाह कहती है। अरे क्या इस ये तमाम बातें करने से हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगा, हमारे नौजवानों को हायर एजुकेशन का कॉलेज मिलेगा? आपके पास एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही, परसों से स्कूल की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं होता, ये नाटक कंपनी है। ममता बनर्जी आकर सिर्फ इस तरह की बातें करके चले जाती है। पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि इनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में तकरीर करते हैं मगर जब हम वोट का डिमांड करते, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो ममता बनर्जी के एमपी ने ट्रिपल तलाक के कानून में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सिटीजन CAA का बिल आया तो फिर उस वक्त वॉकआउट कर गए। आप बताइए आपको क्या इसी पार्टी का साथ देंगे जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ नोरा कुश्ती करती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बंगाल में अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उस कम्युनिटी का नाम मुस्लिम माइनॉरिटी है। इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करिए, इस्तेमाल को खत्म करिए। ये उसी वक्त खत्म होगा जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे। आपसे मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब देखना शुरू करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ख्वाबों को आपको अगर पूरा करना है तो बंगाल में हमको अपने एक लीडरशिप को पैदा करना पड़ेगा, डरने और। कल शाम निगम मोड़ के करीब एक हादसे में हरादन रुईदास नाम का एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया।
कुछ लोग इसी जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी के इंतजाम में मशगूल थे तो कुछ लोग सड़क पे पड़े हरादन का वीडियो बनाने में मसरूफ थे। सैकड़ों गाड़ियां आ जा रही थी पर कोई जख्मी को अस्पताल ले जाना नहीं चाह रहा था। ऐसे में राहुल कुमार नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में दो सिविक वॉलंटियर की मदद से इसे आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां फौरी इलाज के बाद मरीज को दाखिल कर लिया गया। हरादन श्रीपुर के रहने वाले हैं, खबर आसनसोल ने इस बहादुर ऑटो ड्राइवर से बात की। पेश है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वहाँ पर हम अपना पैसेंजर उतार रहे थे निगाह में सर, और यहाँ पर एक्सीडेंट देखे थे, हम सोचे कि कोई लेकर चला गया वहाँ पर। लेकर वहाँ पर जाने के बाद देखे कि पेशेंट अभी तक पड़ा हुआ था। फिर हम जाने के बाद बोले कि ठीक है लोड कर दो मेरा गाड़ी में, हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, ले छोड़ दे रहे हैं। वहाँ पर सब चढ़ाया और ट्रैफिक पुलिस के साथ हम यहाँ पर लेकर आए हॉस्पिटल में। वहाँ पर और कोई गाड़ी भी नहीं था, और था तो कोई लोड नहीं कर रहा था गाड़ी में अपना। मेरा नाम राहुल कुमार है सर। घटक को जोड़ा फुल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। हमजा कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। असला केक ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए असलान और लुत्फ उठाए लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए असलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बसिन बाजार। संयुक्त मोर्चा के हिमायती ISF के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाए। आसनसोल मोहिसिला कॉलोनी में अचानक कुछ बेजुबान जानवरों की मौत होने से कुछ एनिमल लवर्स ने आसनसोल साउथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना है कि इन जानवरों को जहरीली चीज खिलाकर मारा गया है, इसलिए उन लोगों ने जांच की मांग करते हुए दोषी को सजा देने की अपील की।
প্রায় সমগ্র আসানসোল বানপুর জুড়ে এরকম কুকুরদের হত্যা যেটা করা হচ্ছে, কুকুরদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটার উপর আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস ছড়িয়েছিলাম। আর ঠিক তার একদিন পরে এই মর্মান্তিক ঘটনা, যেখানে কাছাকাছি 100 জন কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকিউজড এসছেন, প্রপারভাবে কোনো অ্যাক্ট না থাকার কারণে তাকে বেল দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং বেল দিয়ে দেওয়ার পর যিনি এফআইআর করেছিলেন, একটু আগে উনি বয়ানও দিলেন। আমি বলি যিনি এফআইআর করেছেন তাকে পুলিশ কর্মচারীরা বলেন যে আপনার চুলে তো হাইলাইট করা আছে, আপনার ক্যারেক্টার ঠিক না। আমি বলতে চাইছি যে আজকালকার জেনারেশনে চুলে কালার করা থেকেও কি মানুষকে জাজ করে যেতে পারে? পুলিশের তরফ থেকে এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য হচ্ছে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি পোস্টমর্টম রিপোর্ট যখন হবে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট যদি পিছন দিকে দেখা যায়, ডাক্তাররা বেরিয়ে গেলে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট যদি পিছন দিকে দেখা যায়, একটা জঙ্গলের মধ্যে হয়েছে লিটারেলি। বেল ভর আপনারা কোম্পানির নাম দেখতে পাবেন, একটা প্রাইভেট প্রপার্টির ভিতর কিন্তু হচ্ছে, কোনোরকম গভর্নমেন্ট হসপিটাল নয়। যখন ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করা হলো গভর্নমেন্ট হসপিটালে কেন, ওনারা বললেন আমরা গভর্নমেন্ট হসপিটালে করবো না। এবং বলা হচ্ছে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসতে 1 বছর সময় লাগবে। আমার প্রশ্ন, পৃথিবীর কোন জায়গাতে পোস্টমর্টম রিপোর্ট পেতে 1 বছর সময় লাগে? আপনারা এখন কি করবেন? আপনারা এই কি করবেন এখন? আমরা এখান থেকে এখন যা রকম স্টেপস আছে আমরা লিগালি এগোবো, আমরা কোন রকম ইললিগাল কাজ করবো না, ঠিক আছে? আমরা লিগালি এগোবো, আমরা এটা শেষ দেখে ছাড়বো। আমরা এটাই মানুষের কাছে এটা আবেদন, যারা যারা এই নিউজটা পড়বেন সবার কাছে আবেদন, সবাই যাতে আমাদের সাথে এগিয়ে আসেন, একসাথে সমবেত হয়ে ওই যে 100-150 কুকুর মারা গেছে তাদের জন্য জাস্টিসের আপিল করবো। আমার নাম উদ্দিত দাস। পশুদের উপরেও লয়ের উন্নতি হোক, যেই ল আছে সেই ল বেলেবেল। পুলিশ ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছেন যে যেই যেই পশুদের উপরে যেই ল সেটা বেলেবেল, সেজন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কথা বলা হয়েছে, আরে কুত্তা হি তো মারা হ্যায় ক্যা হি হো গিয়া, এই ধরনের কথা শোনা। পুলিশরা এইটুকু জানতো না, পুলিশকে যখন আমাদের এনজিও ভেতরে গিয়ে বলে যে পোস্টমর্টম হবে, পুলিশ বলে কি পোস্টমর্টমও হয়, কুকুরদের পোস্টমর্টমও হয়, এই কথাটা তিনি জিজ্ঞেস করেন। ইভেন আমরা একটু আগে নিজেদের পেজ থেকে লাইভ ভিডিও করেছি, সেখানে যারা অর্গানসগুলো বের করছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কোনো মেডিকেল এক্সপার্টিস আছে কি, উনি বললেন না দাদা আমার ওরকম কিছু নেই, আমি একজন সাধারণ ডোম বুধা আগুড়ি পারা, আমি একজন সাধারণ ডোম। এটির ভিডিও আমাদের পেজেও পর্যন্ত রয়েছে, আমরা ভিডিও পর্যন্ত তুলেছি। আর আমরা চাই, আমরা পশুদের উপর জাস্টিস চাই, যে এইভাবে যে মেরে ফেলা হয়েছে জাস্টিস চাই আমরা। আপনার নাম? আমার নাম অনিশা রায়। মহিশালা কলোনি দক্ষিণপাড়া কি বাসিন্দা হো, ওহা পে মেরা ঘর কে সামনে টোটাল 5 স্ট্রিট ডগ মারা হয়, উসমে সে 5 মে সে এক মেরা ঘর কা হয়, তো ইয়ে সব মে এক মে সাসপেক্ট কো মে দেখি হু একজন কো খানা খিলাতে হুয়ে, কি জো খানা খিলায়া, खिलाने के बाद ही 10 मिनट में खबर आया कि सारा जो स्ट्रीट का डॉग लोग था सब मर के पड़ा हुआ है। मेरा घर का कुत्ता घर में आके जीभ निकाल कर आँखों को उलट गया, वो मर गया। उसके बाद उसको हम लोग डॉक्टर जो है और एक जन डॉक्टर है हम लोग का जो एनिमल जो सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों से हम लोग बात किए, तो ही सेज कि ये अगर जीभ काला हो गया है और उलट गया है तो इसका मतलब यही है कि वो जहर दिया गया है, जहर के दौरान हुआ है। मैं कल ही बोली थी कि बॉडी को सस्पेक्ट को और जो खाना खिलाया गया था वो खाना को आप लोग लीजिए, लेके जाइए, उसको जांच करवाइए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सस्पेक्ट के फैमिली वाले वो खाना धो दिए ताकि हम लोग उसको दोबारा नहीं कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा शोक में रहने के कारण वो खाना मैं उठाई नहीं, लेकिन जो ऑनरेबल
जो वहाँ पे जो थे ऑफिसर, उनको मैंने बोला कि सर एक बार प्लीज़ आप जो खाना उसने दिया है उसी से प्रूफ हो जाएगा कि उसने उसमें जहर है कि नहीं, उसने दिया है कि नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। मैं कल सुबह से 8 बजे से मुझे बुलाया गया, मैं 7:30 बजे से पहला बार था थाना में जाके, मुझे मालूम नहीं क्या होता है क्या नहीं, मैं एक बेजुबान जानवर के मैंने पक्ष में जाके बैठी हुई थी 7:30 बजे से लेके मेरे को 4:15 बज गया, कुछ नहीं हुआ। एप्लीकेशन वो लोग ले लिए, लेके बोले FIR प्रॉपर वे पे आपको इवनिंग में होगा। तो मेरे से पहले मेरे भाइयों जो लोग हैं एनिमल लवर्स है वो लोग पहुँचे, पहुँच के FIR जो मेरा जमा किया हुआ था उसका रिसीव कॉपी इन लोगों ने लिया। लेने के बाद अपडेट है कि अभी जो इंस्पेक्टर साहब से हम लोग की बात हुई, उन लोगों ने बोला कि फॉरेंसिक का रिपोर्ट आते आते एक साल लग जाएगा। फॉरेंसिक का रिपोर्ट आते आते अभी बात हुआ कि बाराबोनी में जाएगा, यहाँ पे काटा गया है, उसका ऑर्गन निकाला गया है। आपका दिस इज कि अभी ये एक साल लग सकता है एक रिपोर्ट आने में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक साल लग सकता है, मुझे मालूम नहीं। और जो डॉक्टर्स है यहाँ पे वो लोग भी बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम किस जगह पे हुआ है, क्या किस अस्पताल में हुआ है। का एक जगह है, एक एरिया है कालीबारी, ग्लास फैक्ट्री का एक एरिया है। ये एरिया पे एक सुनसान एक जंगल जैसा एरिया है, यहाँ पे आके उसका ऑर्गन्स निकाला गया है। जो डॉक्टर से मुझे तो मालूम है कि जो इंसान के डॉक्टर होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो पशु के डॉक्टर होते हैं एनिमल डॉक्टर होते हैं वो लोग एनिमल लवर्स होते हैं सबसे पहले, उसके बाद एनिमल डॉक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बने वो भी पता चल रहा है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल होने के बावजूद गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल के अंदर वो लोग ने पोस्टमार्टम नहीं किया। उन लोगों ने ऑर्गन निकाल के उन वो लोगों ने बोला अगर कोई फैमिली वाला सामने खड़ा रहेगा तो हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। वो लोग ने पोस्टमार्टम भी नहीं किया, बस दो बंदे थे उन लोगों को गाइड किया ये निकालो ये काट के निकालो, छुआ भी नहीं उन लोगों ने। तो मेरे को मुझे मालूम नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका क्या निकलेगा, इसका ऑर्गन यहाँ से कहीं और भी चला जाएगा कि नहीं। मैं तो सबसे पहले बोलूँगी कि ये सब कुछ का जाँच हो। मुझे डर है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ इधर का उधर होने वाला है। हम लोग सब कोई बॉडी को ऐसे ही फेंकने नहीं वाले या दफनाने नहीं वाले, इस चीज़ का जाँच हो, बस यही चाहते हैं। हम लोग एक बेजुबान जानवर, 5 जानवर जिन लोगों का बोलने का क्षमता नहीं है उन लोगों को मारा गया है, उन लोगों को इंसाफ मिले। आपका नाम? मेरा नाम बर्नाली रॉय है, मैं मोइसिला की रहने वाली हूँ, मोइसिला 1 नंबर दक्षिण पारा की रहने वाली हूँ। नाजरीन आज की खबरें बस यहीं तक, अपने आसपास के अहम और ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটককে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। হাউস অফ ফ্যান্সি লেডিস ওয়্যার, মহিলাও কা পছন্দিতা শোরুম, ইসরাইল এ হাউস অফ ফ্যান্সি লেডিস ওয়্যার, নই ডিজাইন কি কালেকশন, লেটেস্ট স্টাইলিশ ফ্যান্সি ড্রেসেস, ও ভি বাজার সে বাজিব দরো পর है एक्सक्लूसिव सूट पीस लहंगा ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में, तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन अपना है। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, बस्तीन बाजार रोड आसनसोल। कॉल 760-2923। चिकन 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 ब्रेस्ट चिकन, कहाँ हैदर चिकन और कहाँ हैदर चिकन, हमीद नगर बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर बर्नपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743।